हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपूस किचन। आज का रेसिपी रॉ पपाया का रायता। मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रॉ पपाया का रायता बनाऊंगी, इसके लिए ये सब इंग्रेडिएंट्स चाहिए। रॉ पपाया काट के धो के ग्रेट करके रखा, 100 ग्राम दही, 2 चम्मच शुगर के साथ फेंट के रखा, 1 चम्मच ऑयल यूज करूँगी। तड़का लगाने के लिए 1 रेड चिली, आधा चम्मच जीरा, मसाले में आधा चम्मच रोस्टेड जीरा पाउडर, आधा चम्मच रेड चिली पाउडर, आधा चम्मच ब्लैक सॉल्ट और 1 चम्मच हरी धनिया बारीक चॉप करके रखा। पैन में आधा चम्मच ऑयल ऐड कर देती हूँ। ऑयल गर्म होते पहले पपाया को फ्राई कर लूँगी, हल्का सा सॉफ्ट कर लूँगी। लो फ्लेम में 2-3 मिनट ऐसे ऑयल में फ्राई करने से पपाया सॉफ्ट हो जाएगा। पपाया सॉफ्ट हो गया, चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। सेम पैन में आधा चम्मच और ऑयल ऐड कर देती हूँ। और जो जीरा लिया तड़के के लिए वो ऐड कर देती हूँ और रेड चिली। ऐसे तो रायता में तड़का नहीं लगाती हूँ, पपाया का रायता में मैं तड़का लगा रहा हूँ क्योंकि खाने में बहुत टेस्टी हो जाता है तड़का लगाने से। दही पहले से ही मैं 2 चम्मच शुगर ऐड करके फेंट के रखा था। अभी जो पपाया फ्राई करके रखा वो ऐड कर देती हूँ और अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। सारे मसाला भी ऐड कर देती हूँ, जो नमक, रोस्टेड जीरा पाउडर, ऊपर से रेड चिली भी आधा ऐड कर दिया। और जो हरी धनिया लिया था वो भी ऐड कर दिया और अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। अच्छी तरह से मिक्स करके हो गया। अभी जो तड़का बनाया था वो ऐड कर देती हूँ, रायते में तो खाने में और अच्छा लगेगा। और अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। बहुत जल्दी तड़का रायता बन के रेडी हो गया। ऊपर से जो रेड चिली बचा के रखा था वो स्प्रिंकल कर देती हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट बनता है, एक बार जरूर ट्राई कीजिए। टेस्टी हेल्दी रॉ पपाया का रायता बनाया, इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए और आप लोग का एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।